बाईस कहता है कंपनी अनप्रॉफिट प्रॉफिट थर्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड फाइव इज मार्जिनल कॉस्ट इसका मार्जिनल कॉस्ट है यानी सर वीसी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आठ रुपए क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा बच्चों को चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है एक कंपनी है जो कि अभी फिलहाल तीस हजार कमा रही है आगे देखा जाए आगे कहना है 2005 में इफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस यानी वीसी और एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आठ रुपए और दस रुपए तो ये वीसी है और ये एफ सेलिंग प्राइस है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी रुपीज में बताना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट नंबर वन क्या बताना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट नंबर बी तो सर एम का फॉर्मूला क्या होता है एम का फॉर्मूला होता है सर एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स और एक याद होगा आपको प्रॉफिट वाला भी था कौन सा था प्रॉफिट वाला आपका एम था रुपीज में क्या था हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी याद आया यस yes, सर तो प्रॉफिट हमें गिवन है पीवीआर निकाल सकते हैं सर पीवीआर कैसे निकलेगा कंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स सर कंट्री क्या है कंट्री देखो निकाल लोगे गे दस माइनस आठ दो रुपये हो गए सेल्स क्या है दस रुपये इंटू में सौ तो कितने परसेंट आ गए ट्वेंटी एक बटा पाँच हाँ ट्वेंटी परसेंट हो गया तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए सर प्रॉफिट कितना है तीस हज़ार डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू तो कितने आ गए हमारे छः लाख या साठ हज़ार साठ हजार तीस हजार डिवाइडेड बाई पॉइंट टू सॉरी तीस हजार डिवाइडेड पॉइंट टू गलत लिख दिया डेढ़ लाख कितने आ गए डेढ़ लाख सर ये आ गया डेढ़ लाख पॉइंट नंबर बी कहता द रेशो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट यानी वीसी का रेशो वीसी का रेशो सेवेंटी परसेंट तो सर कंट्री का रेशो क्या होगा तीस परसेंट और यही बन जाएगा पीवीआर का रेशो ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट सिक्सेंट कैपेसिटी ऑफ सेल फाइंड आउट दैपिटी सेल फिक्सेंड ऑल्सोटी जो भी निकलेगा वो साठ परसेंट पे कैपेसिटी है तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा पी भी पता है हमें और फिक्स कॉस्ट हमें पता ही नहीं पता नब्बे तो फिक्स कॉस्ट नब्बे हजार है तो दैट इज नाइंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई 0.3 तो इसका मतलब सर 90,000.3 90 थाउजेंड पॉइंट थ्री तो ये आ गया तीन लाख लाख इज टू मैं कह सकता हूं तीन लाख डिवाइडेड बाई सिक्सटी इंटू में हंड्रेड तो डिवाइडेड बाई ,00 so ,00 so ,00 है पहला सवाल का आंसर कंप्यूट प्रॉफिट इफ सेट परसेंट कैपेसिटी अब बोला भैया हम 75% परसेंट कैपेसिटी पे काम काज करने वाले हैं तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा तो बड़ी सीधी सी बात है अगर आप 75% परसेंट कैपेसिटी पे काम काज करेंगे तो इसका मतलब सर पांच लाख का 75% परसेंट आता है तीन पिछहतर यानी आप कहना चाह रहे हैं सर आप सेल्स करेंगे तीन पिछहत्तर की तो सर वी कितना होगा सेवन होगा सेवेंटी परसेंट दैट इज टू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड सर ये क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया माइनस कर दो सर एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ माइनस क्या करो एफ सी यानी दैट इज़ नाइन्टी थाउजेंड अगर हम नाइन्टी थाउजेंड और माइनस कर दें तो बाईस हजार पाँच सौ प्रॉफिट आ गया तो देखो ये सर... मैं इतनी फास्ट फास्ट क्यों कर रहा हूँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर पा रहे हैं सिर्फ इसका एक ही जवाब है प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इसके सवाल को हाथ भी नहीं लगा सकते आप एग्जाम के अंदर और ये सिर्फ नहीं इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है हमारा एक क्या तीन चैप्टर है इससे रिलेटेड तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी टोटल छह चैप्टर है आपके सिलेबस में छह या पांच चैप्टर है आपके चार पांच चैप्टर में से तीन चैप्टर इसी के बेस पे है और एक चैप्टर बिल्कुल अलग पड़ जाता है तो अगर आप इस चैप्टर को ठीक से नहीं करोगे तो दिक्कत है पक्की तो इसलिए प्रैक्टिस करो और मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप इसके टेन ईयर्स के भी क्वेश्चन उठा के करो मेरी तरफ से मैंने बोला ना इसमें बस मुझे ब्रेक इवन चार्ट बताना है वो भी एक दिन का काम है और क्वेश्चन सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए टेक्निक बता दिए, लगाना आपको चलिए सर क्वेश्चन एक कंपिटेटिव मार्केट है जहां पे हजार पैकेट ट्रांस आपका ट्रांजिस्टर बेचेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैन आल्सो सोल्ड सर्टेन प्रॉफिट जनरेट कितने का सर दो हजार का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है और पॉकेट ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड द मोनोपोली मार्केट अन प्रॉफिट सेम कंपनी चाहती है हम प्रॉफिट तो सेम रखेंगे प्रॉफिट अंडर द बोथ कंडीशन टारगेटेड और दोनों कंडीशन में हम कितना टारगेटेड रख रहे हैं और अंडर द बोथ द कंडीशन प्रॉफिट हमारा ये टारगेटेड है द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सौ रुपए एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा आगे यहाँ पे सैंतीस हज़ार यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट यूनिट सोल्ड अंडर बोथ मोनोपोली कंडीशन तो अब देखिए ध्यान से एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ कहता है इन आ प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट ठीक है दस हजार पैकेट ट्रांजिस्टर कैन सोल्ड तो यूनिट जो सोल्ड कर रहा है वो कर रहा है दस हजार कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ट्रांजेक्शन कैन बी सॉरी कॉम्पिटेटिव मार्केट दस हजार पैकेट ट्रांजिस्टर कैन बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड एंड अ सर्टेन प्रॉफिट इज जनरेटेड इट एस्टिमेटेड दो हजार पैकेट ट्रांजिस्टर नीड मैन्युफैक्चर मैंने यहां गलत पढ़ लिया था थोड़ा। अब यह कहता है कि इसको जरूरत क्या है कि ये एस्टीमेट 2000 पॉकेट ट्रांजेक्शन नीड टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड यह चाहता है कि हम क्या करें यह 2000 या बीस 20 हजार एक बार चेक कर लो इसको चेक करना 2000। 2000 ट्रांजिस्टर इन द मोनोपोली मार्केट अन्न द सेम प्रॉफिट यानी हम चाहते हैं कि हम सेम प्रॉफिट कमाएं और हम जो यूनिट को बेचें दो हजार यूनिट यूनिट को बेचे तो यानी दो कंडीशन हो गया प्रॉफिट अंडर बोथ कंडीशन हमारा प्रॉफिट होना चाहिए कितना सर दो लाख दोनों कंडीशन में प्रॉफिट दो लाख आगे कहता है द वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन आपका सौ रुपए फिक्स कॉस्ट दे रखा है दोनों यू आर रिक्वायर्ड टू आउट तो एस्टिमेटेड क्या कर रहा है वो कि दो हजार पॉकेट ट्रांजेक्शन नीडेड टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन सीमोपार्क और वहां दस हजार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है ऊपर वाला दस हजार है दो हजार है सब ठीक है तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में दस हजार पैकेट ट्रांजेक्शन कैन बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड बनाया भी और बेचा भी एंड आ सर्टेन प्रॉफिट जनरेटेड कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये नहीं पता कि कितना कर रहा है और इन एस्टिमेटेड द पॉकेट नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग दो हजार पॉकेट ट्रांजेक्शन नीड टू बी मैन्युफैक्चर ओके ये चाहता है कि हम 2000 और ज्यादा बनाए तो यानी न्यू जो बनाए हम न्यू जो बनाए वो 10 और ये दो 12 यानी न्यू 12, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग दो और दोनों ही केस में हम चाहते हैं कि कितने की कमाई हो जाए सर दोनों ही केस में मेरी कमाई हो जाए कितने की दो लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट तो बताता है कि फाइंड करिए सेलिंग प्राइस जो कि मोनोपोली मार्केट कॉम्पिटेटिव मार्केट में जहां पे हमारा दोनों ही केस में कितना हमारा जो हो के रिक्वायड फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस बोथ अंडर मोनोपोलिंग दोनों में बताना है सर चलिए सर सवाल सिंपल था पहला केस सेल्स इक्वल टू वी सी प्लस एफ सी और प्रॉफिट होगा सिंपल सी बात है दो लाख सेलिंग प्राइस नहीं पता बट यूनिट तो पता है इनटू में एक्स बी नहीं पता तो एक्स इन में सौ एफ पता है कितना सैतीस हजार तो सवाल समझने में टाइम लग गया बाकी सवाल में तो कोई जान ही नहीं था सॉल्व कर दो सर आपका क्या जाएगा? 100, आ जाएगा टेन थाउजेंड और हंड्रेड यानी सर ये आ जाएगा निन्यानवे सौ एक्स इजिकल टू दो लाख सैतीस हजार एक्स की वैल्यू निकाल लो दो लाख सैंतीस हजार डिवाइडेड बाई निन्यानवे सौ डिवाइडेड बाय निन्वे सो दो लाख सैतीस हजार डिवाइडेड बाय निवे सो तेईस रुपए तिरानवे पैसे ठीक है सेकंड केस सर सेकंड केस सेकंड केस में क्या करेंगे कहता है भैया बारह हजार यूनिट बेचे तो कितने का प्राइस होगा सिंपल सी बात है भैया फिर से बारह हजार यूनिट और प्राइस क्या होगा एक्स होगा तो एक्स इंटू में एक्स इंटू में सौ यहाँ पे रहने वाला है प्लस थ्री सेवेंटी और प्लस टू लैख ,00 रुपीज़ सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा ग्यारह हज़ार नौ सौ एक्स इजिकल टू दो लाख सैंतीस हज़ार तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी दो सैंतीस डिवाइडेड बाई ग्यारह नौ सौ ये आ गया कितने उन्नीस 0.91 नाइन वन ये दोनों के आंसर आ गए ठीक है क्लियर क्लियर है यहां तक हाँ तो पर यूनिटी तो है क्या है सवाल नंबर एक बार देखिए इसको इसको अगेन करेंगे इसमें थोड़ा सा पॉइंट है आप पहले यह समझ लीजिए यहां पे मैंने 12000 लिया इसको मैं दोबारा करवा दूंगा ठीक है सर इसके बाद सवाल है ये 24 ये भी होमवर्क में देते हैं 25 आल्सो होमवर्क 26 मैं तो कुछ ज्यादा ये थोड़ा सा एरर है बता देना जरा एरर मैं ठीक कर दूँ इसको नेट प्रॉफिट क्या है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट है ये दो बार आ गया सर ये दो बार आ गया ये नहीं है ठीक है सर ये भी होमवर्क अट्ठाईस भी होमवर्क उनतीस भी होमवर्क तीस भी होमवर्क इकतीस भी बत्तीस तैतीस भी होमवर्क रहेगा चौंतीस भी होमवर्क रहेगा पैंतीस भी होमवर्क रहेगा सैतीस भी होमवर्क है इस टाइप पर भी कर चुके हैं स अड़तीस भी होमवर्क है उनतालीस भी हो जाएगा जो नहीं होगा वो तो मैं करूँगा चालीस भी हो जाएगा इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस चलिए मैं पूरे पचास तक होमवर्क दे रहा हूं होमवर्क जो है आपका वो फिफ्टी तक है तो ये फिफ्टी तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हमारे लगभग कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बाईस तेईस तक बच्चे कह रहे हैं हे भगवान सर तेईस दिखा दो तेईस दिखा देते भाई अब ये क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे मेरा इसमें ज्यादा रोल है नहीं आपको ही इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तेईस 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 ये सत्रह तेईस अभी नहीं करना मैं दोबारा कराऊंगा इसमें तेईस दोबारा करा दूंगा इसको रहने दो जो बच्चे मांग रहे थे तो आपको पचास तक क्वेश्चन दे दिए यानी सिर्फ बीस से पच्चीस क्वेश्चन दिए ये करके ट्राई करना है अगली क्लास में नंबरिंग काउंट करता जाऊंगा जिसके डाउट होंगे शॉर्ट आउट हो जाएंगे जिसके डाउट नहीं हुए तो उसके रह जाएंगे समझ लो इतने क्वेश्चन करने के बाद फिर टेन ईयर के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो टेन ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें बस इस चैप्टर में सिर्फ़ एक छोटा सा पॉइंट रह गया वो भी रह गया ब्रेक इवन चार्ट ये जो मैंने पचास तक क्वेश्चन लिए हैं ये सब ले लिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो और ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वो है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो टेन ईयर करके देख सकते हो मैंने आपके बुक के प्रैक्टिकल भी ले लिए प्रॉब्लम भी ले लिए और रिलिस्टेशन तीनों मिला के मैंने क्वेश्चन ढूंढ के ये बना दिया जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसके बाद फिर टेन ईयर कर लेंगे ये एक्स वाला क्वेश्चन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करवाया <laughs> बुक है, है तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे मैंने अपने ये स्लाइड ना कल अपलोड कर देनी है स्लाइड पूरी की पूरी और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिए हुए पहले से ही उसमें से आप करते जाइए इसका सॉल्यूशन नहीं दिया सॉल्यूशन मैं ही करूंगा इसको ठीक है तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगली क्लास सेम टाइम मंडे और मंडे होपफुली ये चैप्टर कितना हो पाता है वेडनेसडे तो डेफिनेटली ये चैप्टर खत्म है और अगले फ्राइडे को चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग एक और एडवांस इसका मार्जिनल कॉस्टिंग मैं सारे तो डाउट लेके आओगे जो हो जाएंगे तो फिर करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप करके आना पहले कर चलिए ठीक है गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में